तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टू स्पीड कूलर के मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो कूलर की मोटर होती है उसमें जो तीन तार होते हैं उसका कनेक्शन टू वायर के साथ कैसे करना है। यहाँ पर आपको तीन वायर दिखाई दे रही है, एक ब्लू वायर, ब्लैक वायर और ये रेड वायर। ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है टू स्पीड कूलर की, जिसमें एक लो स्पीड और एक हाई स्पीड के लिए होती है। और ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है 4 माइक्रोफेराड का, जो कि यहाँ पर अंदर वाइंडिंग के वायर से कनेक्ट हो रखा है, और इसी में जो मोटर से वायर निकली है, यहाँ पर तीन वायर निकली है जिसमें कैपेसिटर पहले से कनेक्ट हो रखा है। और यहाँ पर जो आपको तीन वायर दिखाई दे रही है, जैसे मैं बताया, यहाँ पर ब्लू वाली वायर कॉमन की वायर यहाँ पर है, और इसके अलावा जो दो वायर है, एक ब्लैक वाली जो वायर है वो हाई स्पीड के लिए, और यहाँ पर रेड वाली वायर जो है वो लो स्पीड के लिए। अब बात करते हैं कनेक्शन का। अगर हम मेन सप्लाई की दो वायर को एक ब्लैक वायर एक ब्लू वायर में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो मोटर चलेगी वो हाई स्पीड में चलेगी। अगर मेन सप्लाई की दो वायर को एक ब्लू और रेड में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो मोटर चलेगी वो लो स्पीड में चलेगी। अगर हम मेन सप्लाई की दो वायर को ब्लैक वायर और रेड वायर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों वायर क्या है, यहाँ पर स्पीड की है। अब हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने चेक करने के लिए यहाँ पर एक वायर ले लिया जिसमें कि आपको टू वायर दिखाई दे रहे होंगे। अब एक बार कनेक्ट करते हैं इसे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने, यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर होती है वो कॉमन की वायर होती है टू स्पीड कूलर की मोटर में। तो यहाँ पर एक वायर को किसी भी मेन सप्लाई की किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर ब्लू वायर को मैंने इस रेड वाले मेन सप्लाई की वायर से कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर मेन सप्लाई की ब्लैक वायर से भी इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान देना, एक ब्लू वायर मेन सप्लाई की एक वायर से कनेक्ट होगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो ब्लैक वायर और रेड वाली वायर है, एक ब्लैक वाली जो वायर है वो हाई स्पीड के लिए और रेड वाली वायर यहाँ पर लो स्पीड के लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए, रेड वाली वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई की दूसरी वायर को। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर जो मोटर चलती है कि नहीं चलती और इसकी स्पीड क्या है। और यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली वायर को ऐसे छोड़ रखा क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर एक टेप लगाया था जिससे जब मोटर चले तो यहाँ पर हमें इसकी स्पीड का पता चले कि मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पर पंखड़ी बट यहाँ पर चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। तो देखिए, मैंने टेप लगा दिया। अब इसकी सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे चेक करने के लिए मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए, मैंने ले लिया। अब यहाँ पर इसके प्लग को लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके प्लग को लगाता हूँ, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। यहाँ पर लगा दिया, देखिए स्विच ऑन किया, यहाँ पर जो हमारी मोटर है वो चलने लगी है। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है लो है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कनेक्शन किया है, एक वायर तो हमने कॉमन वाले वायर से कनेक्ट की थी मेन सप्लाई की, और एक वायर हमने रेड वाली वायर से कनेक्ट की थी। जो रेड वाली वायर होती है वो लो स्पीड के लिए होती है, जैसे मैंने बताया था। देखिए, दोबारा चेक किया हमने, यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो लो स्पीड है। अब हमें अगर हाई स्पीड में चलाना चाहते हैं, हम हाई स्पीड में चलाते हैं मोटर को, तो यहाँ पर इस रेड वाली वायर की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं। तो हमें इस कनेक्शन में यही ध्यान देना है, जब भी आप तीन तारों वाले कूलर के मोटर का कनेक्शन करते हैं तो उसमें जो ब्लू वायर होती है और जो ब्लैक वायर होती है, उन्हीं दोनों वायर को मेन सप्लाई के दोनों वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है, हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर जो टेप लगा है अच्छी तरह से लगा होना चाहिए। और यहाँ पर हमने दो वायर कनेक्ट करके ब्लैक और ब्लू, और वो यहाँ पर इस रेड वाली वायर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इस वायर को काट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस रेड वाली वायर को काट लिया, क्योंकि हम मोटर को हमेशा हाई स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि लो स्पीड में जो हवा होती है वो आती नहीं। तो देखिए, एक बार हम चला के चेक कर देखिए, यहाँ पर जो हमारी मोटर वो चल रही है हाई स्पीड में। तो इस टाइप से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जब भी अपने टू स्पीड कूलर के मोटर का कनेक्शन करते हैं तो आपको एक वायर ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी वायर को ब्लैक वाली वायर के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रेड वाली वायर थी, यहाँ पर लो स्पीड के लिए थी, ब्लैक वाली वायर हाई स्पीड के लिए थी। अगर मेन सप्लाई की दोनों वायर को उस पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मोटर नहीं चलेगी, तो ये भी ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।